एप पॉलिटिकल इंद्रजीत आप सबको स्वागत करता है अपना एक नया ब्लॉग में। दोस्तों घोर से देखिए, ये दृश्य को देख के आप ऐसा लग रहा है यहाँ में एक फेस्टिवल का जुलूस जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई असम में हो रहा है या तो बिहार यूपी में हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये पासीघाट में हो रहा है। देखिए हम लोग का इधर में ऐसा जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी फेस्टिवल है यहाँ मनाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बाहर का जो मेनली इंडियन से वो लोग हम लोग को क्या समझता है, हम लोग को वहाँ पर जाने से हम लोग को कोई कोई मोमो बोलता है, चिंकी बोलता है। लेकिन आप देख सकते हैं देखिए ये कोई हम लोग का यहाँ का अरुणाचल नहीं है, ये सब बाहर का है। हम लोग का जो मुस्लिम भाई है हिंदू भाई है उन लोग अपना फेस्टिवल आराम से यहाँ मनाते हैं और हम भी मानते हैं फेस्टिवल, दीपावली हो या जो भी ईद हो जो भी क्रिसमस हो जो भी हो हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। हम लोग के इधर में भी अपना लोकल फेस्टिवल होता है। देखिए मैं ये वीडियो से ये दिखाना चाहता हूँ कि यूनिटी में डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो सकता है। देखिए हम लोग को इतना नफरत फैलाता है यहाँ पर इंडिया में, हिंदू मुस्लिम या तो हिंदू या सिख ईसाई कुछ भी यहाँ पर नफरत फैलाने वाला नहीं है, नफरत जो और ये वायलेंस से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए देश कब आगे बढ़ेगा जब सब मिलकर रहेंगे। असली सेकुलरिज्म तो यहाँ पर है, अरुणाचल में है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो हम लोग का फेस्टिवल नहीं है, बर्थडे हम लोग मनाता है, हम लोग मान देते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम लोग अरुणाचल से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर हम लोग को कोई मोमो बोलता है, चिंकी बोलता है, हम लोग को चाइनीज़ बोलता है कि हम लोग को चाइनीज़ भाषा थोड़ा भी आता नहीं है, उन लोग का जो अक्षर है उसको भी पहचानता नहीं है। देखिए अभी मैं हिंदी तो इतना अच्छे से नहीं बोल पाता है, लेकिन एटलीस्ट मैं खाना तो मांग सकता हूँ हिंदी से, और कोई चाइनीज़ तो हिंदी से तो खाना नहीं मांग सकता है दिल्ली में जाके। हम तो आराम से हिंदी भी बोल सकते हैं, मेरा हिंदी जो है ख़राब हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं यही दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।